क्या क्या कमेंट करते हो भाई? स्विमिंग पूल में बैठ के वीडियो बना, छाती के बाल देखने हैं ना मेरे, टी शर्ट पहनूंगा नहीं दिखाऊंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं अजीब गरीब और बहुत सारे ईब फनी टाइप ऑफ फाइट्स के बारे में। मतलब आज ऐसे सीन्स भी होने वाले हैं जैसे कि MSG मूवी में संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी ने किया था। वहाँ पे जंगल है, ओपन में आतंकवादी वहाँ पे बच्चों को लेके घेर के रोके हुए हैं, और फिर वहाँ से MSG वहाँ से जा रहे हैं एंड देन वो कुछ हारमोनियम बजा रहे हैं और आतंकवादी गिर गए। नहीं समझा ना? मुझे भी नहीं समझा था ये सीन क्या किया था उन्होंने। साला इतना बुरा बजाते क्यों हो कि साला आतंकवादी ही गिर जाए बेचारे यार। तो आज हम ऐसे ही कुछ बॉलीवुड लॉजिक लेस फाइट सीन्स और रियल लाइफ फाइट सीन्स के बारे में बात करने वाले हैं। अब देखो, फास्टेस्ट मैन नोन टू मी इज ब्रूस ली, फास्टेस्ट मैन नोन टू पॉर्न इंडस्ट्री इज मैनुअल फरेरा। भाई क्या शॉट मारता है, मशीन गन है, अबे मतलब बहुत ही फास्टेस्ट है। तो वैसे ही फास्टेस्ट मैन नोन टू बॉलीवुड मैं दिखा रहा हूं। इंसान की बनाई हुई ये मशीन, मालिक की बनाई हुई इस मशीन के सामने कुछ नहीं है। ये 12 बोर से तीतर बटेर मारे जाते हैं बच्चे। रणवीर सिंह को तो तुम्हारी तोप का गोला भी कुछ नहीं कर सकेगा। चले क्या माँ के पास से कोई तोप है तो? ये क्या कर रहा है साला? साला फाइट के बीच में नशा कर रहा है। साला चरस कौन सूंघता है साला फाइट के बीच में? मैं बता रहा हूँ तुम्हें, टट्टी के बीच में वीडियो कॉल करना और फाइट के बीच में नशा करना बहुत महंगा पड़ सकता है तुम्हें। इसके बाद फाइट आगे कंटिन्यू हो रही है और हमारे वेरी ओन कराटे मास्टर उड़ के विलन के आंखों में अपने पंजे नहीं उंगलियां डाल रहे हैं और विलन अंधा हो जाता है और मर जाता है। भाई मुझे एक बात बताओ, अगर कोई बंदा अंधा हो जाता तो मर कैसे जाएगा? चलो ये बात मैंने हजम कर ली, लेकिन भाई जब ये अंतिम संस्कार हो रहा है तब आंखों का ऑपरेशन करवा के लेटाने की क्या जरूरत है? ऊपर जाके के अप्सराओं का डांस देखने वाला है वो। तो अभी जो मैं आपको फाइट दिखाने वाला हूँ ना, उसका नाम मैंने रखा है बाल बाल फाइट। तो इस हिसाब से अगर तुम्हारा किसी के साथ झगड़ा हो रहा है ना तो बिंदास मार खा लो, लेकिन एक काम करना, उसके पैंट में हाथ डाल के ना उसके बाल खींच लेना। कल को वो ऐसा नहीं कर पाए कि मेरा उसके साथ झगड़ा हुआ तो वो मेरे झाट तक नहीं उखाड़ पाया। ये तो हो गई फिल्मी फाइट, अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ रियल लाइफ फाइटिंग। देखो हम सबको पता है शादी के बाद ना डिशुम होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कोई तीसरा बंदा तुम्हारे शादी पे आके स्टेज पे चढ़ के खुद में डिशुम करना चालू हो जाए यार। यार ये सब चीज़ें होती है ना शादियों में, इसीलिए मैं शादियों में नहीं जाता। इनफैक्ट मैं खुद की शादी में नहीं जाने वाला हूँ। ये क्या बोल रहा हूँ मैं? एक इंग्लिश में कहावत है, डू वॉट यू लव टू डू और स्टार्ट लविंग वॉट यू आर डूइंग। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फाइट के बीच में तुम वो सब करना चालू हो जाओ जो तुम्हें करना पसंद है। मैं बता रहा हूँ इसे ना डांसर बनना था, लेकिन सिर्फ ये लड़की थी इसीलिए इसके चाहनाओं को दबाया गया। यू गो गर्ल, तू डांसर जरूर बनेगी। आंसू नहीं आ रहे, आंसू भी आ गए अब तो। अब देखो फाइट ना अलग अलग तरह की होती है, बुल फाइट, गन फाइट, तलवार से फाइट, बहुत सारी फाइट। मैं एक अलग ही चीज दिखाने वाला हूँ फाइट की, जिसका नाम है बैंड के लोड़े फाइट। मैं बता रहा हूँ इस बंदी के पास ना हर चीज का एक ही जवाब है। अगर कोई फ्रेंड लास्ट मोमेंट पे तुम्हारा प्लान कैंसिल करे तो उसे क्या कहेंगे? अगर कोई फ्रेंड तुम्हारे बंदी पे लाइन मार रहा है तो उसे क्या कहेंगे? और अगर कोई तुम्हें बोले कि तू कैरी का कॉपी कर रहा है तो उसे क्या कहेंगे? अब एक ऐसी वीडियो दिखाने वाला हूँ जो तुम्हें सुन के फनी लगेगी, लेकिन कहीं ना तुम्हें बुरा भी लगेगा। इस लड़की के साथ मारपीट होने का कारण ये है कि इसने 10वीं कक्षा में टॉप किया है। इतना दम नहीं कि तुम पढ़ के पास हो जाओ, तुम फेल हुए इसीलिए जो बंदी फर्स्ट आई है उसे धोने चले गए। वेल आज तो हमने फाइटिंग पे वीडियो बनाई, तो उस पर एक बात कहना चाहूँगा। देखो फाइटिंग इज नेवर एन ऑप्शन,
अगर किसी एक बंदे का दूसरे बंदे के साथ झगड़ा हो रहा है तो मार ये दो लोग ही खाते हैं, ये अपने बंदे लेके आएगा इसको मार खिलाएगा, ये अपने बंदे लेके आएगा इसको मार खिलाएगा, एंड में बिट्टे ये दोनों ही हैं। और हर फाइट के बाद होता क्या है, कॉम्प्रोमाइज। इससे अच्छा पहले ही कॉम्प्रोमाइज कर लो ना, क्यों फाइट करना है तुम्हें। वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, सब्सक्राइब कर दो। यही अगर कोई बिकनी पहन के लड़की कह देती ना तो तुम कर देते। लड़का हूँ इसलिए नहीं कर रहे हो। एंड टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी, तो चलो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं जा रहा हूँ सोने, बाय। जाओ यार, पराए मत को सोते हुए नहीं देखते।